नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन से शादी कर ली। दोनों ने अपनी शादी से पहले कभी भी अपने अफेयर को लेकर किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने दी। यही वजह थी कि जब पहली बार संजना का नाम सामने आया तो फैंस को काफ़ी हैरानी हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गोवा में टीवी प्रेजेंटेटर संजना गणेशन संग साथ फेरे लिए। बुमराह और संजना ने एक प्राइवेट फंक्शन में अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के बीच शादी की। बुमराह और संजना के शादी के फंक्शंस में कोरोना महामारी का भी ध्यान रखा गया, इसके चलते सिर्फ बेहद ही करीबी लोगों को शादी में शामिल किया गया। आपको बता दें, संजना पेशे से मॉडल और स्पोर्ट्स एंकर हैं, जिन्होंने क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के कई इवेंट्स को होस्ट किया है। उन्होंने 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत की तरफ से एक शो होस्ट किया था। संजना गणेशन का जन्म 6 मई 1991 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था और वो इस समय 28 साल की हैं। संजना गणेशन स्पोर्ट्स फैंस के लिए कोई अनजाना नाम नहीं है। वो काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स एंकर रही हैं। वो PBL से लेकर IPL तक के शो को होस्ट कर चुकी हैं। स्टार स्पोर्ट्स की ओर से उन्होंने साल 2019 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप के अलावा कई बड़ी सीरीज और IPL को कवर किया है। हालांकि स्पोर्ट्स एंकर से पहले संजना मॉडल रही हैं और रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुकी हैं। संजना ने साल 2013 में फेमिना गॉर्जियस का खिताब भी जीता था। वहीं वो मिस इंडिया में भी हिस्सा ले चुकी हैं। साल 2014 में संजना ने MTV के हिट रियलिटी शो स्प्लिट्सविला में भी हिस्सा लिया था। बता दें, बुमराह ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के 4th टेस्ट के दौरान ही अपना नाम वापस ले लिया था। जसप्रीत बुमराह ने BCCI से व्यक्तिगत वजह के चलते छुट्टी की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद पता चला कि जसप्रीत बुमराह शादी करने वाले हैं। आपको बता दें कि 27 साल के जसप्रीत बुमराह इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य हिस्सा है और उन्होंने अब तक भारत के लिए 19 टेस्ट, 67 वनडे और 50 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।